हमारा पटरी लोग है, जो लड़की लोग है, औरत लोग है, आप लोग सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा, इस बार भी आप लोग एकदम थम्पिंग मेजोरिटी दे के भेजना है, जो हमारा जो पार्टी का जो प्रत्याशी है, चाहे वो आपका MLA में मैडम जीनी हो आपका, या MP में आपका किरण भैया। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे फिर कुछ कुछ अफवाह भी फैला के रखता है कि शायद मतलब अभी ऊपर से हाई कमान की तरफ से टिकट किसी और को दिया, हेल्प किसी और को करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेमा खांडू बहुत डिसिप्लिन आदमी है, किरण भैया एकदम डिसिप्लिन है, और हम सबसे करीबी है, हम दोनों का बहुत क्लोज में है, पेमा खांडू से भी बहुत क्लोज में है और किरण भैया से भी बहुत क्लोज में हम। तो हम जानता है कि जिसको मैडम को टिकट मिला, मतलब मैडम आपने पार्टी के लिए अच्छा काम किया होगा, आपने अपना जिला के लिए अच्छा काम किया होगा, इसलिए आप डिजर्विंग था, इसलिए आपको टिकट मिला है, और बाकी आप लोगों का काम मैडम को जिता के भेजना है। एक बार जिता के जब वहाँ पहुँचेगा तो फिर पेमा खांडू साहब का ड्यूटी बनता है, किरण भैया का ड्यूटी बनता है, मैडम को किस तरह से लेके जाए, आपका लेपरा डिस्ट्रिक्ट कैसे लेके जाए, भाषा को कैसे लेके जाए। तो हम ज़्यादा समझ नहीं लेगा, हमको इतना बोलना भी नहीं आता है, और हम भी धैर्य धरे बोला है, हम जो बोलते हैं धरेक बोलता है, जो करता हम भी धरेक कर देता है। अभी हमको अभी मेरा ये वायरल होगा, स्पीच सुनेगा, मेरा दिरंगोला गली करेगा, तुम्हारा अपना इलेक्शन छोड़ के तुम यहाँ क्या करके बैठा बोल के, क्योंकि मेरा भी इलेक्शन चल रहा है। और हमारा कुछ देर पहले जब वेलकम एड्रेस जब दिया तो आपने मेरा बारे में बहुत अच्छा बोला, उसके लिए करेंच है, हम थैंक यू देना चाहेगा। तो आप लोग से फिर अभी क्योंकि अभी तक तो टिकट मेरा हाथ में भी नहीं पहुँचा है, मेरा हाथ में भी टिकट नहीं पहुँचा है, अभी हम लोग को शायद कल या परसों टिकट मिलेगा होगा। एक बार जब टिकट मिल जाएगा तो मेरा हमको पूरा विश्वास है कि CM साहब भी आएगा आपको आपके लिए कैंपेन करने के लिए, किरण भैया भी आएगा, पार्टी का प्रेसिडेंट आएगा, और हम लोगों को पूरा एक पूरा वो बना के रखा हुआ है पार्टी की तरफ से कि कैंपेन में कौन जाएगा, किसको कहाँ पे भेजा जाएगा। तो यही है, आपको यही विनती करना चाहेगा कि टिकट को आप लोग वेस्ट होने नहीं देना है, अगर टिकट वेस्ट होगा तो आपका डेवलपमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। और डेवलपमेंट मतलब तो किसका है, ये या आपका भाषा मीन्स तो आप लोगों को आपका रास्ता आप लोग से वंचित रह जाएगा, आप लोग आपको सही बिजली आपको नहीं मिलेगा, सही आपको एक एटमोसफेयर होता है, मतलब चाहे वो एजुकेशन पढ़ाई को उसमें देखो, चाहे हेल्थ का वो सबसे वंचित रह जाएगा। इसलिए सभी से आपको विनती करना चाहेगा कि आपका टिकट को जाया बिल्कुल होने नहीं देना है, यहाँ से जिता के भेजना है, किरण भैया को भी बहुत अच्छा जिता के भेजिए, और मैडम जिंदगी को भी अच्छा से जिता के भेजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेगा, फिर हमको भी फिर निकलना है, फिर अभी एक मीटिंग और भी करना है, फिर इटानगर में भी फिर मीटिंग करना है। तो आप लोग सबको एक बार फिर हम लोग मुनपा लोग करंच है बोलते हैं, थैंक यू आप लोग सबको करंच है, हमको आप आके बहुत अच्छा लगा। तो हम यही दुआ करेगा कि इलेक्शन के बाद में फिर हम लोग या विक्ट्री पार्टी हम लोग मनाने के, हम भी आएगा आप लोग के साथ में, सबके साथ में, उसमें मैडम हम लोग हम भी अपना जिसे आप लोग का पोनुंग पार्टी होता है, हमारा भी अपना कल्चर ट्रिप है हम लोगों का भी, हम उसको भी लेके आएगा, एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग सभी को, जितना भी जो हमारा जो सीनियर लोग हैं, आप लोग सबको भगवान बुद्ध आप लोग को हेल्दी बना के रखिए। आप लोग यहाँ पे आपका जो फेमस आप लोग का फेस्टिवल है मोपिन, हम लोग लोसर है, तो मोपिन जिसे इसको भी मनाइए, आप लोग लोसर जिसे इसको भी मनाइए। आप लोग मोपिन में आप लोग अपुंग उपुंग पीता है, डांस वूंस करता है, लोसर में हम लोग अपुंग पीता डांस करता है, इलेक्शन को भी उसी तरह से आप लोग लेके आप लोग खाइए, आप लोग ठीक से खाइए, ठीक से पिए, बोट भी आप लोग देख के पदम फूल का है, बोट वाइन दबा दो आप लोग, इसके बाद में झगड़ा जो बात कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करिंचे, थैंक यू वेरी मच।